चलिए अब अपनी राशि अनुसार चर्चा को शुरू करते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर मेष राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसे, आइए जानते हैं। कल कार्तिक पूर्णिमा पर मेष राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि एकदम सुबह स्नान करिए और उगते हुए सूर्य को जल दीजिए। तीन बार बोलिए, ओम ब्रह्मा स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। और थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल दूध में धो करके जहाँ मछलियाँ रहती हों वहीं डाल दीजिए। और कल किसी शिवालय में जा करके विधिवत भगवान शिव का पूजन अभिषेक करिए और हो सके तो नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये शिवाष्टक जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है इसका पाठ कर लीजिए। और रात्रि में चंद्रमा को कच्चे दूध में सफ़ेद फूल डालकर और थोड़ी सी हल्दी डालकर अर्घ दीजिए। मेष राशि के कल जातक लाल चंदन गुड़ या गेहूं का दान जरूर करें। कल कार्तिक पूर्णिमा पर आलस्य और दूसरों की निंदा का त्याग जरूर करें। देखिए, दूसरों की निंदा तो कभी नहीं करना चाहिए। क्या कार्तिक पूर्णिमा, क्या 365 दिन। परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा और पर निंदा सब अघनगरीसा, दूसरे की निंदा से बढ़ करके कोई पाप हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमें हर समय ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर कि हमारे द्वारा किसी की निंदा तो नहीं हो रही है। निंदा से और दोष दर्शन से बचना चाहिए, तभी प्रभु की शरणागति हो सकती है। वरना दोष बुद्धि जब तक आपके अंदर रहेगी तब तक प्रभु की शरणागति नहीं होगी। कल हल्दी पानी में घोलकर अपने मुख्य द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और कार्तिक पूर्णिमा से नया काम शुरू कर सकते हैं। निवेश करना फायदेमंद होगा। अष्टलक्ष्मी की स्थापना अपने घर में करें, कमल का फूल खोलकर उनके श्री चरणों में अर्पित करें। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर वृषभ राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कल कार्तिक पूर्णिमा पर वृषभ राशि के जातकों से कहना चाहूंगा, एकदम सूर्योदय से पहले उठ जाइए और आज से ही तैयारी बनाइए कल के पूजन का। और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। अगर सफ़ेद वस्त्र धारण करें तो सबसे उत्तम है, ठीक है। और दही गाय के घी की व्यवस्था आज ही कर लीजिएगा। कल आपको किसी विष्णु मंदिर में दही और घी का दान करना है और किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, जिसे आप समझते हो कि ये मतलब कि थोड़ा सा परिस्थिति से कमज़ोर है, ऐसे व्यक्ति को 2-5 किलो चावल, घी, दही या सफ़ेद कोई वस्तु आप दान कर दीजिएगा। और गंगा जल पानी में मिलाकर स्वयं स्नान करिएगा पूरब की तरफ मुंह करके और बोलिएगा, हर हर गंगे काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर 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 महादेव शिव शंभो। विष्णु सहस्र नाम का पाठ कर लीजिएगा और भगवान विष्णु के नामों का जप कर लीजिएगा और पीपल के पेड़ की पूजा करिएगा। पीपल के पेड़ में कच्चा दूध पानी मिला करके अर्पित करिएगा। तो निसंदेह ये सब ऐसे उपाय हैं। अच्छा हाँ, कार्तिक पूर्णिमा से अब ठंड भी शुरू हो रही है तो गर्म कपड़े ज़रूरतमंद लोगों में दान कर दीजिएगा। साधु संन्यासियों को कंबल दान कर दीजिएगा। ऐसे में माँ लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होगी, धन और ऐश्वर्य की वृद्धि भी होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर आर्थिक कार्यों में सावधानी बरतनी चाहिए, लापरवाही से बचना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी को पान के बीड़े में लौंग की कली चुभो करके उसे किसी प्लेट में रख करके समर्पित करना चाहिए। ओम जद पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वतः वसंतो श्यासी दाज्य ग्रीष्म युद्धम शरद्धवी मुख शुद्ध्यर्थम तांबूल पुंगी फलम समर्पयामी। जय मां विंध्यवासिनी। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर मिथुन राशि वाले क्या करें उपाय और दान जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर भी बरसे, आइए जानते हैं पंडित जी से। कार्तिक पूर्णिमा पर कल मिथुन राशि के जातक
प्रातः स्नान कर लें भैया, और स्वच्छ वस्त्र पहनकर सूर्य की पूजा कर लें, और दूध, हरा कपड़ा, कपूर, चावल ये किसी योग्य पात्र को दान कर दें। किसी ब्राह्मण जोड़े को अपने घर बुला करके भोजन कराएं अगर ये संभव हो तो। गंगा स्तुति करने से भी लाभ मिलेगा, कल गंगा की पूजन से भी लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले कल पानी में हल्दी मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं, हनुमान जी की उपासना करें या हनुमान मंदिर जाएं, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को कपड़े दान करें। कार्तिक पूर्णिमा से मिथुन राशि के जातकों के जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव आने के संकेत बने हुए हैं। कल सप्तधान्य मिलाकर गौशाला में भी दान करें, इससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब बात कर्क राशि की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर कर्क राशि वाले क्या करें, उपाय और दान, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर बरसे। पंडित जी, देखिए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा इस कार्तिक पूर्णिमा पर राहु बृहस्पति के साथ मेष राशि में स्थित है। कुल मिलाकर के अगर आपका ग्रह गोचर देखा जाए तो कहा जा सकता है कल आपको स्नान ध्यान के साथ साथ नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए, किसी अंध विद्यालय में आपको भोजन की व्यवस्था करानी चाहिए, शंख, चीनी और चावल का दान करना चाहिए, माँ लक्ष्मी को लाल गुलाब के फूलों की माला अर्पित करनी चाहिए और श्री यंत्र की विधिवत पूजा करनी चाहिए। कल आपको ध्यान भी करना चाहिए और क्रोध पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। कल बासी भोजन बिल्कुल स्पर्श न करें और ना ही दान करें। कल शेयर बाजार या संपत्ति में निवेश करना आपके लिए शुभकारी होगा। कल कर्क राशि के जातक कार्तिक पूर्णिमा पर चांदी के कटोरे में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, संध्या के समय विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करें, इससे आपका भाग्योदय सुनिश्चित होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। कल है कार्तिक पूर्णिमा, ऐसे में कल कार्तिक पूर्णिमा पर सिंह राशि वालों को क्या दान करने से और कौन से उपाय करने से साल भर इनके जीवन में सुख संपन्नता बनी रहेगी, आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर सिंह राशि वाले सोना, तांबा, गुड़ का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं, पानी में देवदार के पेड़ की छाल डालकर स्नान कर सकते हैं, भगवान शिव के साथ माँ पार्वती की पूजा जरूर करें, खीर बना करके माँ लक्ष्मी को चंद्रोदय के समय भोग लगाएं। कार्तिक पूर्णिमा पर छोटी छोटी बातों का बतंगड़ न बनाएं, उसे कलेश न करें। कार्तिक पूर्णिमा पर अपने सामने भगवद गीता रखकर कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। कार्तिक पूर्णिमा पर सिंह राशि के जातक अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। कल किसी मंदिर में 11, 21 या 51 दीपों का दान करें। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि कल से आपकी किस्मत बदल जाए तो कल महालक्ष्मी के सामने और भगवान श्री हरि विष्णु के सामने आप अपनी शरणागति कर दीजिए। शरणागति कैसे करेंगे? हे प्रभु, मैं मन क्रम वचन से नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। नाथ सकल संपदा हमारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, मतलब मेरा सर्वस्व आपके श्री चरणों में है। आपके मेरे जीवन में घटित होने वाली किसी घटना पर मैं क्षोभ नहीं व्यक्त करूंगा और कोई अच्छी घटना पर भी मैं अहंकार नहीं करूंगा। अब मैं आपकी शरणागति में हूं, प्रभु आप मुझे स्वीकार करिए। अगर आप ये संकल्प दिन में 2 बार 3 बार 4 बार दोहराते रहें और अपने मन में ये बात आप ध्यान रखें कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये शरीर एक पोशाक है, इसके अंदर रहने वाला जो जीव है वो ईश्वर का अविनाशी अंश है, मैं वो अविनाशी का बच्चा हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ, ये शरीर जो है ये 5 तत्वों से जो मिल करके बना है और मन बुद्धि अहंकार इसमें जुड़ गया है तो ये शरीर 5 तत्वों में विलीन होने वाला है, ये मिट्टी का पुतला है, ये मल मूत्र की फैक्ट्री है, ये मतलब कि जो है
हाँ आप ये भी सोच सकते हैं, अभी हो सकता है अगला प्रश्न रवि का ये भी हो जाए कि गीता में तो भगवान ने कहा है इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो महाराज मन को आप ठीक करने की बात कर रहे हैं, तो जब भगवान मन है तो उसको कैसे ठीक करेंगे? नहीं, जैसे आदमी के दो कार्य होते हैं, एक शुभ कर्म एक अशुभ कर्म, उसी तरह से हमारा मन जो है वो एक तो दुर्वासनाओं में लिप्त होता है और एक भागवतिक कर्मों में लिप्त होता है। जब तक वो काम क्रोध मोह लोभ से जुड़ा रहता है तब तक वो दुर्वासना युक्त होता है, तब तक उसको ठीक करने की ज़रूरत है, और जब वो भगवत भक्ति में और अपने सोहम के रूप में आ जाता है तब वो पूजनीय आदरणीय हो जाता है, तब वही मन आत्मतत्व के रूप में ईश्वर हो जाता है। तो इसलिए दुर्वासना युक्त मन जो है, काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर से घिरा हुआ मन जो है, वो कभी पूजनीय नहीं हो सकता, उसे तो काबू में करना ही पड़ेगा। तो इन सब बातों का अगर ध्यान किया जाए कल से तो जिंदगी बदलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कल कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए कार्तिक पूर्णिमा पर कन्या राशि वालों को ये सब सुझाव देना चाहूँगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है, ठीक है, शुक्र नीच राशि में है। आप कल खूब बढ़िया स्नान कर लीजिए, अपने देवी देवताओं की पूजा कर लीजिए, और अपने घर में जो मतलब कि भोजन बनाता है उससे आग्रह करिए कि कल की खीर रोज से अच्छी बननी चाहिए, और कल की खीर में खूब पंचमेवे डालो और बढ़िया दूध की खीर बनाओ, और खीर बनाकर जितनी कन्याएं आपको मिल जाएं, 1, 2, 5, 10 जितनी कन्याएं मिल जाएं, सबको अच्छा आसन बिछा करके पूर्व मुँह करके बैठाइए, सबके माथे पर तिलक लगाकर, और सबको कटोरी में खीर और चम्मच खीर कटोरी में रख करके चम्मच दे करके और सबको खीर खाने के लिए आग्रह करिए, और उसके बाद कन्याएं जब खीर खा लें तो उन्हें कुछ दक्षिणा दीजिए, उसके बाद अपने घर से विदा करिए। चाहे जितना बड़ा आपका दरिद्र होगा और चाहे जितना बड़ा आपका दुर्भाग्य होगा, फिर ये काम करने के बाद तो आपके दरिद्र और दुर्भाग्य का पतन हो ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि साक्षात मार्कंडेय पुराण और साक्षात दुर्गा सप्तशती में लिखा हुआ है, विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत सु, संसार की समस्त कन्याओं में साक्षात दुर्गा विराजती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो मूर्ख महापापी कन्याओं का अपमान करता है, कन्याओं को हेय दृष्टि से देखता है, उसको अगर कुबेर भी आकर के सुखी करना चाहें, उसे स्वयं विष्णु आकर सुखी करना चाहें, वो सुखी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कन्या का अनादर करने वाला व्यक्ति कभी सुख चैन की जिंदगी नहीं जी सकता है, ये बात सनातन धर्म की अकाट्य बात है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। किताब और चादर का भी दान करिए, गंगा जल में पानी मिलाकर स्नान करिए, किसी गरीब महिला को भोजन कराइए, आम के पत्तों का तोरण अपने मुख्य द्वार पर लगाइए, कार्तिक पूर्णिमा पर तीखा मसालेदार भोजन खाने से बचिए, आटे का चूरमा बनाकर भगवान विष्णु को भोग लगाइए, कल घर या किसी मंदिर में तुलसी का पौधा अगर नहीं है तो लगाइए, और शालिग्राम को तुलसी दल अर्पित करिए, बस जिंदगी बन जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए कल कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि वाले अब कौन से उपाय करें, क्या दान दें जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं पंडित जी से। भाई तुला राशि के जातकों से ये कहना चाहूँगा कि देखिए अब स्थिति ये है कि आपके द्वितीय भाव में बुध मंगल और सूर्य है, तो इस कार्तिक पूर्णिमा पर सुबह सुबह उठ जाइएगा ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान कर लीजिएगा, और स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ देने के बाद मंदिर में दूध दान कर दीजिएगा, चावल और शुद्ध घी का दान कर दीजिएगा, किसी एक कन्या को कम से कम अपने घर में सात्विक भोजन कराइएगा, आपके घर की ही कन्या हो उसी को आप स्नान करा करके पूर्व मुंह बैठा करके उसको भोजन कराइए, जब तक वो भोजन करे तब तक वहाँ आप हाथ जोड़कर खड़े रहें, घर में कौड़ियाँ लाकर उसे अपने तिजोरी में रख लीजिएगा, और शिवलिंग पर शहद कच्चा दूध और बेलपत्र अर्पित करिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर 11 साबुत चावल लक्ष्मी मंत्रों का जप करते हुए माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। कार्तिक पूर्णिमा पर तुला राशि वालों को
कई अच्छे अवसर प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल भगवान विष्णु को पीला वस्त्र और माँ लक्ष्मी को लाल रंग का वस्त्र धारण कराइएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। और राशियों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करने से कौन से उपाय करने हैं वृश्चिक राशि वालों को, उनके जीवन में सुख संपन्नता बनी रहे। पंडित जी देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा, कि आपके राशि में सूर्य मंगल बुध की युति है। ये कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए कुछ खास होने वाली है, ठीक है। इसमें क्या खास होने वाला है, एक तो आप प्रातः उठ करके स्नान कर लीजिएगा, आलस बिल्कुल मत करिएगा और स्वच्छ कपड़े पहनिएगा, ठीक है। और हो सके तो नीले काले कपड़े मत पहनिएगा। और उसके बाद में सूर्य को अर्घ दीजिएगा, अपने पूजा स्थान में बैठ कर पूजा करिएगा। और छोटी कन्याओं को अगर आप दूध दान कर सकते हैं, तिल का तेल दान कर सकते हैं, किसी गरीब व्यक्ति को कंबल दान कर सकते हैं, किसी सुयोग्य व्यक्ति को चांदी दान कर सकते हैं, तो ये आपके भाग्योदय के लिए सहायक होगा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करिए, श्री सूक्त का पाठ करिए, चंद्रमा को कच्चा दूध और अक्षत मिला करके अर्पित करिए। कल कार्तिक पूर्णिमा पर किसी भी तरह के नशा और तामसिक भोजन से बिल्कुल दूरी बनाइए। कल अपने घर में भगवद गीता के किसी भी एक अध्याय का पाठ कर लीजिए, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय माँ विंध्यवासिनी। कल कार्तिक पूर्णिमा पर धनु राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बृहस्पति है जो इस समय मेष राशि में गोचर कर रहा है, आपकी राशि पर जिसकी पूर्ण दृष्टि है। भाई, ये कार्तिक पूर्णिमा आपके लिए कुछ विशेष लेकर के आई है और आपको कुछ देकर जाएगी। तो अगर आप कल स्वास्थ्य ठीक है तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लीजिएगा, स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा और अपने घर में बैठ करके गायत्री मंत्र का जप करिएगा। हल्दी की गांठ, सोना और धार्मिक पुस्तकें ये किसी धर्मस्थान में दान करिएगा। और कार्तिक पूर्णिमा पर सुख समृद्धि के लिए विष्णु सहस्र नामावली का पाठ करिएगा। अगर आप विष्णु सहस्र नामावली का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आपको एक छोटा सा मंत्र बताता हूँ, नोट करिए। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम भरानने। अगर इस मंत्र का आपने 108 पाठ कर लिया तो जग जीत लिया आपने, ये मान के चलो। और अगर रोज आप 108 बार इस मंत्र का सुबह शाम पाठ करते हैं तो हर समय आप पाप ताप से मुक्त रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा पर 11 कौड़ियाँ चढ़ाएं, माँ लक्ष्मी के मंदिर में इत्र का दान करें, विष्णु मंदिर में नारियल पर स्वास्तिक लिखकर उसे अर्पित करें और गुलाब जल में चंदन मिलाकर भगवान विष्णु का तिलक करें। कार्तिक पूर्णिमा पर नया काम शुरू करना या पैसों से जुड़े फैसला लेना आपके लिए शुभकारी होगा। माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को खिला हुआ कमल का फूल जरूर अर्पित करें। जय माँ विंध्यवासिनी। और अगर कमल का फूल नहीं मिलता है तो एक अंजुली बना लीजिए, ऐसे हाथ बना लीजिए, आँख बंद करिए और कमल के फूल की कल्पना करिए कि आपके हाथ में एक सुवर्णमय कमल का फूल है और भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी के श्री चरणों में इसे आप समर्पित कर रहे हैं। ओम जगेन जग्यमय जंत देवास्थानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानं सजत्रयत्र पूर्वे साध्या संति देवा। बस पुष्प चढ़ा दीजिए, मानसिक पुष्प से ज़्यादा क्या चढ़ाओगे यार। आप एक बात समझ लो, भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। भगवान भावग्राही हैं, क्रियाग्राही नहीं है। और भगवान को वस्तु से प्यार नहीं है, उन्हें भाव से प्यार है। अगर वस्तु से प्यार होता तो दुर्योधन का 56 प्रकार का भोजन पे लात न मारते और विदुरानी के केले के छिलके न खाते, सबरी के जूठे बैर न खाते। संत महात्मा खड़े होकर टकटकी लगा के देख रहे थे कि प्रभु मेरे घर भी आएंगे, लेकिन वो सीधे सबरी के घर का पता पूछते हुए गए, जिस सबरी का रोज तिरस्कार होता था उस सबरी के यहाँ खुद गए और सबरी ने चख चख करके बैर रखा था कौन कौन सी मीठी है उसको खिलाऊंगी, और उन्होंने उसको खाया।
तो प्रभु भाव के भूखे हैं, आपके पास सामर्थ्य ज्यादा है या कम, लेकिन आपका भाव का सामर्थ्य कंजूस नहीं होना चाहिए, भाव आपका बड़ा होना चाहिए, उसी से प्रभु प्रसन्न होते हैं। कहते हैं ना, निर्मल जन मन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भाई अब इससे बड़ी बात क्या कहेंगे, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो आपको भी चाहिए कि किसी तरह का कपट छल छिद्र का त्याग करके आप अपना जीवन जिए और भगवान श्री हरि विष्णु की शरणागति लें। निश्चित रूप से ये जीवन भी अच्छा होगा, आगे परमार्थिक जीवन भी अच्छा होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों को कल कार्तिक पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए और क्या दान करना चाहिए जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं। देखिए, कल कार्तिक पूर्णिमा है और आपकी मकर राशि है, तो आपको तो जरूर चाहिए कि आप एकदम प्रातः स्नान कर लीजिए और एक मुट्ठी चावल दूध में धो करके उसे ऐसी जगह पर प्रवाहित करिए जहाँ छोटी छोटी मछलियाँ रहती हों। गुलाब की खुशबू वाली धूप लक्ष्मी मंदिर में अर्पित करिए और चंद्रोदय के समय चंद्रमा को दूध से अर्घ दीजिए सूर्यास्त के बाद। श्री यंत्र की पूजा, अगर घर में श्री यंत्र है तो उसकी विधिवत पूजा कल करनी है आपको, मतलब आवाहन आसन पाद्य अर्घ आचमनी वस्त्र उपवस्त्र गंधाक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य आचमन और आरती, इतना विधान करिएगा श्री यंत्र की पूजा का। और अगर कोई बहुत विशेष मनोकामना आपके मन में हो तो श्री यंत्र को दाहिने हाथ पर रख करके 5 बार बोलिएगा, हे यंत्रराज मेरे अमुक मनोकामना को पूर्ण कीजिए। 5 बार बोलिएगा, देखिएगा कैसे चमत्कार होता है। पीपल के पेड़ की जड़ में जल और दूध मिलाकर अर्पित कीजिएगा और कार्तिक पूर्णिमा पर मकर राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होने की पूरी संभावना बनी हुई है और नई जिम्मेदारी भी आपको मिल सकती है। कल तुलसी में दिया जरूर जलाइएगा और विष्णु सहस्र नामावली का हो सके तो पाठ करिएगा, नहीं तो राम रक्षा स्त्रोत का पाठ जरूर करिएगा। जय माँ विंध्यवासिनी। तो कल कार्तिक पूर्णिमा पर क्या दान करने से और कौन से उपाय करने से साल भर कुंभ राशि वालों के जीवन में सुख संपन्नता बनी रहेगी, आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि में तो शनिदेव इस समय स्वयं विचरण कर रहे हैं भैया, ठीक है, और मेष राशि में बृहस्पति हैं। कुल मिलाकर के कुंभ राशि के जातक स्नान दान करके नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। अपने कार्य क्षेत्र में एक दक्षिणावर्ती शंख अगर नहीं है तो अब उसको स्थापित कर लें और चंद्रमा को अखंडित चावल से रात में अर्घ दें। काले तिल जूते कंबल किसी जरूरतमंद को दान करें। खीर में केसर डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। तो इस तरह से अगर आप उपाय करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। कल कार्तिक पूर्णिमा पर मीन राशि वालों को वो कौन से उपाय करने हैं जिससे मां लक्ष्मी की कृपा इन पर हमेशा बनी रहे, आइए जानते हैं पंडित जी से। आपकी अगर मीन राशि है तो आप जान लीजिए कि आपके धन भाव में इस समय आपका राशि स्वामी बृहस्पति गोचर कर रहा है और कार्तिक पूर्णिमा पर बृहस्पति की स्थिति आपके द्वितीय भाव में है। तो आप एक तो स्नान ध्यान करिए, पूजा पाठ करिए और वैदिक ब्राह्मणों को हो सके तो अपने घर सत्कार से बुलाकर उन्हें भोजन कराइए, कुछ दक्षिणा दीजिए, गंगा जल पानी में मिला करके स्नान करिए अगर गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं, और केसर दूध में मिला करके भगवान विष्णु का अभिषेक करिए। दक्षिणावर्ती शंख में केसर भर लीजिए और लड्डू गोपाल आपके पास हैं या श्री कृष्ण का विग्रह है या प्रभु श्री राम का विग्रह है तो बस दक्षिणावर्ती संघ से ओम सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रवासा भूमि सर्वता इस तरह से 16 मंत्रों से अभिषेक कर दीजिए और पीपल के पेड़ में कच्चा दूध और पानी मिला करके समर्पित कर दीजिए। भगवान विष्णु को गोपी चंदन अर्पित करिए, बस बात इतने से ही बन जाएगी। जय माँ विंध्यवासिनी।